अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी मरियम और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बाय मरियम। आज मैं आपसे बहुत अनकॉमन सी बट वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ। बेबी की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, बहुत ज़रूरी होनी चाहिए होती हैं और वो हमारी बहुत हैंडी होनी चाहिए, मतलब आराम से मिल जाएं, ढूंढनी ना पड़े उठ के। तो मैं अपनी बेड की साइड टेबल को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है आफ्टर बीइंग अ मॉम, वो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। बेबी बैग हो, कैरी बैग हो, या आपका पर्सनल बैग या बेबी बास्केट हो, कोई भी चीज़ इतनी हैंडी नहीं हो सकती जितना आपका साइड टेबल अगर ऑर्गेनाइज होगा तो वो आपको आराम से चीज़ मिल जाएगी। इवन मिडनाइट में भी कुछ चाहिए होता है या पैम्पर चेंज करना है तो वो आराम से आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने इसमें पैम्पर्स रखे हुए हैं, पैकेट में से काफ़ी सारे पैम्पर्स निकाल के तो यहाँ मैं एक साइड पे जोड़ लेती हूँ और बहुत ज़्यादा इसका मुझे आराम रहता है, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, इधर उधर उठ के जाना नहीं पड़ता। सो मिडनाइट में स्पेशली बेबी का पैम्पर चेंज करना हो तो आराम से मिल जाता है। मैं पैम्पर्स कंपनी का पैम्पर यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा मैंने कंपनीज के यूज़ किए बट एट लास्ट मुझे ये अच्छा लगा और ये बहुत अच्छा पैम्पर है। इसका रिव्यू भी साथ साथ दे दूँ, नो लीकेज प्रॉब्लम, सॉफ्ट भी बहुत है, इससे रैश भी नहीं होते बेबी को। सेकेंडली, मैंने एक बॉक्स में जान सिरेलैक डाल कर रखा हुआ है तो जान को जब भी खाना खिलाना होता है, डे हो या नाइट, तो ये बहुत हैंडी है। आराम से मुझे साइड टेबल से उठा के और इसको मैं सिरेलैक बनाकर खाना खिला देती हूँ। सिरेलैक में जान को 10 मंथ्स वाला देना स्टार्ट किया था बट उसको पसंद नहीं है, वो फीका होता है, ज़रा मीठा नहीं होता, तो मैं इसमें 6 मंथ्स वाला जो 3 फल और गंदम होता है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मिक्स करके ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर बन जाता है। इसके बाद साथ ही मैंने वाइप्स के पैक्स रखे हुए हैं पैम्पर वगैरह चेंज करने के लिए, और जान जो है वो भी क्रॉलिंग फेज़ में है तो अपने हैंड्स, फेस, सारी चीज़ें बहुत जल्दी गंदी कर लेता है तो वाइप्स मस्ट हैं, एमरजेंसी चाहिए होते हैं मुझे उसके हैंड्स और फिट क्लीन करने के लिए। और इसके बाद साइड ड्रॉ में मैंने जॉनसन्स का बेबी पाउडर रखा हुआ है, ये पैम्पर चेंज करने के बाद ज़रूर लगाया करें, बेबी को रैश नहीं होते और वैसे भी बाथ के बाद ड्रेस चेंज करने के लिए हर टाइम जो है वो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा पाउडर है। इसके अलावा साथ मैंने पेट्रोलियम जेली रखी हुई है, अगर बेबी के रैश हो जाएं और बहुत ज़्यादा रैश हों, किसी क्रीम से कंट्रोल ना हो रहे हों तो आप पेट्रोलियम जेली ट्राई करके देखेगा, इससे बहुत इफ़ेक्ट होता है, काफ़ी सुकून मिलता है बेबी को और रैश भी काफ़ी कम हो जाते हैं। उसके बाद जब रैश थोड़े कंट्रोल हो जाएं तो आप कोई रैश क्रीम, रैशनल क्रीम या कोई भी रैशेज़ के लिए जो क्रीम्स होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको फ़र्स्ट एड के तौर पर यूज़ करती हूँ तो ये बहुत अच्छी रह जाती है। ये मुझे किसी ने रिकमेंड की थी तो उसके बाद मैंने ट्राई की तो दैट वॉज़ मैजिकल। इसके साथ ही मैंने सोडो क्रीम रखी हुई है, अगर थोड़े बहुत रैश हो जाते हैं तो ये क्रीम भी बहुत अच्छी है, और इसके अलावा एक रैशनल क्रीम, रैशनल के नाम से आती है, वो भी बहुत अच्छी है। सो ये दो क्रीम, सोडो और रैशनल, अच्छी हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं टीदिंग टैबलेट्स, ये भी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका मैंने आपको बताया था, और जान टीदिंग फेज़ में है तो ये मैं उसको दो दोपहर, दो सुबह, दो शाम दे देती हूँ और ये भी बहुत हैंडी, मैंने अपने पास बिल्कुल पास रखी हुई हैं ये चीज़ें। अगर इस तरह से आप साइड टेबल ऑर्गेनाइज़ करके देखेंगे तो बहुत सहूलत हो जाएगी आपको। बस अब शादी से पहले तो ये था कि मेकअप प्रोडक्ट्स और अपनी स्किन केयर चीज़ें होती थी साइड टेबल में, और अब बेबी के बाद इस तरह से जो है वो साइड टेबल ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। थर्ड नंबर पे मैंने इसमें ये वाले ड्रॉप्स रखे हुए हैं, कॉलिक ड्रॉप्स, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में चाहिए होते हैं और सारी मेडिसिंस में से हम इसको ढूंढने के लिए बहुत टाइम लग जाता है और बेबी हमारा रो रहा होता है समटाइम्स मिडनाइट में, गैस हो जाती है बच्चे को या डे में कभी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी बहुत हैंडी होने चाहिए, अपने पास आपने रखने हैं हमेशा। इसके बाद मैंने अपने विटामिंस भी रखे हुए हैं, ये भी मैं रेगुलर एक विटामिन टैबलेट खा लेती हूँ आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर, तो ये भी बहुत अच्छे हैं न्यूट्रीफैक्टर के विटामिक्स वुमेन, तो इससे ये है कि इसमें सारे विटामिंस कवर हो जाते हैं तो सेपरेटली नहीं खाने पड़ते, और ये मुझे सूट भी किए हैं और आप भी ये ले सकते हैं, बेबी डिलीवरी के बाद वीकनेस हो जाती है या कोई भी मसला हो तो ये जो है वो उस चीज़ को कवर कर लेते हैं, और साथ साथ अपना ख्याल भी रखा करें, साथ साथ बेबी का भी रखा करें। इसके बाद जॉनसन्स का बेबी मॉइस्चराइज़र मैंने रखा हुआ है, ये भी मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, और बेबी को जब हम बाथ देते हैं उसके बाद कंप्लीट बॉडी को मॉइस्चराइज़ किया करें, बहुत सॉफ्ट स्किन होती है बेबी की, बड़ी नाजुक होती है तो उसका ख्याल विंटर में रखना तो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये गो रैश पाउडर भी रखा हुआ है, ये किस सूरत में लगाना है, ये उस सूरत में लगाना है जब आपके बेबी के रैशेज़ हैं और आपने किसी क्रीम से रैशेज़ ख़त्म कर लिए हैं और सिर्फ रेडनेस रह गई है तो ये वाला पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रैशेज़ हों, लाइक ज़ख़म बना हो, तो उसके ऊपर आप पाउडर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते।
और साथ ही साथ नीविया की सॉफ्ट क्रीम मैंने रखी हुई है अपनी हैंड्स और फीट्स मॉइस्चराइज करने के लिए। रात में उठ के क्रीम पकड़नी पड़े तो हम ये प्लान डिस्कार्ड कर देते हैं कि हम नहीं करते मॉइस्चराइज, तो साइड पर होगी तो इजीली सारा काम हो जाएगा। और इसके बाद सीजर रखी हुई है, समटाइम्स इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, जान को ड्रेस वगैरह पहनाती हूँ तो उसके टैग्स रिमूव करने होते हैं, किसी भी जगह पर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये भी एक मस्ट होनी चाहिए आपके पास। साथ में एक पेन और एक छोटी सी डायरी होनी चाहिए, कुछ भी आपने नोट करना हो तो मैं इसको अपने साइड ड्रॉअर में ज़रूर रखती हूँ। और इसके अलावा ये स्पून्स रखे हुए हैं मैंने जान को मेडिसिन देने के लिए, क्योंकि मेडिसिन जो है वो हमेशा मेजर करके देनी होती है, ज़्यादा या कम नहीं दे सकते। छोटे बच्चे को मोस्टली 2.5 ml रिकमेंड की जाती है, तो ये एक बहुत प्यारा सा स्पून किसी मेडिसिन में से ही निकला था, तो ये मैंने संभाल के रख लिया वॉश करके। 2.5 ml का निशान इसके ऊपर बना हुआ है, तो मैं जान को मैयर करके दे देती हूँ। इसके पास 3.5 ml भी है, इसके बाद इसमें 4.5 भी है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन जितनी देनी हो तो वो इसमें आप मैयर करके या किसी भी स्पून में मैयर करके दिया करें। ज़्यादा या कम मेडिसिन बच्चे को नहीं देते, उसका फिर उल्टा इफ़ेक्ट हो सकता है। सो मेडिसिन हमेशा मैयर करके दें, इट्स अ फ्री टिप। और उम्मीद है मुझे आज की ये छोटी छोटी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।